इस वक्त तो बातें हो रही है कि अगले सेटअप में भी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन किसी ना किसी तरीके से पीडीएम जो भी इत्तेहाद है, चले पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भी इस इत्तेहाद के होते हुए ही कोई आगे मंजरनामे में इकट्ठे काम करेंगे, ऐसे में आप तजवीज दे रहे थे कि पीटीआई जो है उसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए। ये वैसे इसके पीछे सोच क्या थी? क्या वहां पे लोगों का मूड ऐसा है, वोटर का आपने टेम्परमेंट देखकर ये मशवरा दिया? पंजाब के अंदर तो आपकी पीएमएलएन के साथ चल रही है ठीक ठाक काम। देखिए मारिया, हमारी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन होती है हमेशा हर पॉइंट पे, तो मेरे ख्याल में सारे लोगों की अपनी अपनी राय होती है और अल्टीमेटली जो पार्टी का फैसला होता है वही सबका फैसला होता है, उसमें कोई फर्देबाज की राय अहमियत नहीं रखती। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि जो है पार्टी की हकीकतादी हम चल रहे हैं, लेकिन पंजाब के हवाले से मैं तो ज्यादा पंजाब को क्योंकि हम फोकस करते हैं और पंजाब में हमारे स्टेक ज्यादा है, हम पंजाब के लोग, तो पंजाब में एक लंबे अरसे तक नून लीग की हुकूमत रही है और ब्यूरोक्रेसी का भी असर रसूख जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का ज्यादा है। दरमियान में कुछ दिन पीटीआई आई या मुशरफ के दौर में भी जो लोग आए, चौधरी परवेज लाई या दूसरे, वो मुस्लिम लीग ही माइंड सेट के लोग थे और तकरीबन एक ही एकेडमी के, एक ही स्कूल ऑफ थॉट के वो लोग थे, पुराना तसलसल था। दरमियान में थोड़ा सा वोट को इज्जत दे वाला फार्मूला आया, वक्ती तौर पर वो भी खत्म हो गया। तो इस वक्त जो हमारा पीपल्स पार्टी का एक नजरियाती कारकुन है, जो नजरिया है, जो एक सोच है, उसका एक जो क्लैश है वो मुस्लिम लीगी वोटर से ज्यादा है इस वक्त बनिस्बत दूसरा जो एंटी वोट है। एंटी वोट में लेफ्ट का वोट भी है, प्रोग्रेसिव वोट भी है, कुछ पीटीआई का नौजवान तबका है, जो पढ़ा लिखा उम्र तबका भी एक है। तो देखिए, अगर ये वाइस चांसलर्स को गालियां दें या ओवरसीज को बुरा भला कहें, तो पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने सबसे पहले ओवरसीज को ओवरसीज बनाया। लेकिन चंद साहब, प्रॉब्लम क्या है जो पीएमएल वालों से हम बात करें, वो कहते हैं जी इकोनॉमी के ऊपर गालियां हम खा रहे हैं, पीएमशिप भी हमारे पास है, इसके अलावा जो उसका पूरा बोझ है पंजाब के अंदर वो तो वोट का, आगे जाहिर सी बात है इनकम्बेंसी का, वो तो पीएमएलएन ने उठाना है, पीपल्स पार्टी ने तो इसमें बहुत ज्यादा गेन किया। अब इस वक्त पे आके आप लग रहा है उनसे जान छुड़वा रहे हैं कि भाई ये भी सारा कुछ इनके ऊपर डाल दें। नहीं, कोई जान छुड़वाने वाली ऐसी बात नहीं है, ऐसी सोच कोई डिस्कस भी नहीं कभी हुई जान छुड़वाने वाली, एक पॉलिटिकल डिबेट है ना। हम अपने 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 हमारे मैनिफेस्टो या अपने अपने नजरिए, हमने इलेक्शन में जाना है तो हमने पब्लिक को आइंदा का एक देना है, एक फ्रेमवर्क देना है। हम चाहते हैं कि इदारों को इस्तेमाल ना किया जाए, इदारों को लड़ाई ना करवाई जाए, उनकी सोच इसके बारे में और है, उनको मर्जी की हर चीज चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी आज तक कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस हमारा लगे या वो तुम्हारा या हमारा, पीपल्स पार्टी तो जुडिशरी की विक्टिम रही है। ये लोग तो इनकी लड़ाई अब इस वक्त पंजाब में लड़ाई तख्त पंजाब की क्यों हो रही है कि कोई कहता है अदलिया आपके साथ है, कोई कहता है अदलिया हमारे साथ है, ये इन दो तबकों की लड़ाई है, दो सोचों की लड़ाई है। हम तो उस सोच के रखवाले हैं जो इस वक्त 52% एक नौजवान तबका है जो जेन्युइनली चाहता है कि सियासत एक साफ सुथरी हो, एक रूल ऑफ लॉ हो, एक नजरिए के तहत हो, कता नजर वो किस पार्टी के साथ है। देखिए, हम उस तबके को भी एड्रेस करना है और वो तबका वो है जिसकी मेजोरिटी पेरेंट, दादा नाना वो कभी पीपल्स पार्टी में लोग थे, उनकी सोच पीपल्स, उन्होंने जियाउलहक का, उनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने जियाउलहक का मार्शल लॉ देखा, वो सोचते बर्दाश्त की, वो सोच उनके घरों में थोड़ी थोड़ी उनकी दीवारों से वो खुशबू आती है एंटी जियाउलहकिज्म जो है। तो पीपल्स पार्टी तो सोच की वारस है। लेकिन चंद साहब, मुझे समझ अभी भी नहीं आ रही, देखिए पीटीआई का तो इस वक्त खुद मुस्तकबिल बड़ा पीटीआई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक अपने नौजवान तबके सर जो इत्तेहाद की आपने बात की कि हमें पीएमएलएन के साथ नहीं पीटीआई के साथ करें, पीटीआई की तो बड़े अभी खुद मुश्किल है, पता नहीं वो उनके जो चेयरमैन है वो इलेक्शन लड़े ना लड़े, कैंडिडेट खड़े हो ना खड़े हो। मैं कहता हूँ, मैं तो देखिए मेरी एक राय है ना, राय गलत हो सकती है, मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सारी जमातों को शामिल करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो मुल्क को आगे लेके चलेंगी, जो शहीद बीबी और मियां साहब ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, ये कुछ सिर्फ दो जमातों का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, बीबी का नजरिया ये नहीं था, बीबी का नजरिया था सियासत में अदम मदाखलत हो, सियासत में एक दूसरे को एक हद से आगे गाली गलोच, ये टार्चर, ये विक्टिमाइजेशन ये ना हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, हम हर किसी को उसकी आईनी असेंबली की आईनी मुद्दत पूरी हो, लोगों को देखे जमहूरियत मजबूत हो, ये उसका उसकी मिथ, उसका माइंडसेट ये था शहीद बीबी का। तो
तो हम तो उस सोच को लेके आगे चलना चाहते हैं सर, लेकिन अब तो उसी अब वो सोच कहाँ रही, अब तो लोगों के घरों तक पहुंच के उनके वालिद साहब वगैरह आपके हमाद वगैरह सारा कुछ हुआ सर। देखिए ये गलत हो रहा है, अगर समझा जा रहा है कि ये गलत हो रहा है तो इसको हमने ठीक भी तो हम पॉलिटिकल लोगों ने करना है ना, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, हमारी जिम्मेदारी है इन चीजों को एड्रेस करना, इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले अदवार, आने वाला इलेक्शन इन चीजों से जरा हट के हो। हम इदारों के पीछे कब तक छुपते रहेंगे? हम ये देखें, हम ये तो नहीं है कि हम लोग इदारों को गालियां दें और मौजे सियासी लोग या एक जमात मौजे करे या एक जमात बेनिफिशियरी हो जाए। सर बेनिफिशियरी तो पीपल्स पार्टी भी है जान, हर तरीके से देखें पीपल्स पार्टी उस लिहाज से बेनिफिशियरी नहीं है, बेनिफिशियरी मेजर बेनिफिशियरी देखें सर, अभी चेयरमैन नादरा लग जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चेयरमैन पीसीबी भी आपका लग जाए, पंजाब का सीएम आप लोगों का जरदारी साहब के बच्चे और क्या बेनिफिशियरी है सर? ये आपकी एक राय है, मैं आपकी राय से इत्तफाक नहीं मारिया करता, ये आपकी एक राय हो सकती है, आपका सवाल का एक अंदाज हो सकता है। बेनिफिशियरी देखें, प्राइम मिनिस्टरशिप किसके पास है इस वक्त, मेजर किसका नजरिया ड्राइव हो रहा है, इकॉनमी की बात है सर, काबीना का नजरिया, काबीना में पीपल्स पार्टी भी है, नहीं काबीना का, काबीना से तौसीक होती है सर। नहीं देखें मेरी बात सुने ना, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन तनख्वाहों के मामले में पीपल्स पार्टी कहती है 50% तनख्वाहें बढ़ाएं, वो नहीं बढ़ाई जाती, मुलाजमीन की 35%। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कहती थी कि गंदम की कीमत, देखे ना जब पहला दौर भी था जब पीटीआई नहीं मानती थी तो पीपल्स पार्टी कहती थी कि गंदम की कीमत आप इतनी करें कि ताकि अपना किसान काश्तकार करे और हम फूड सिक्योरिटी से निकले। फूड सिक्योरिटी पे सिवाय पीपल्स पार्टी के किस जमात का बयान है? तो ये बुनियादी चीजें इस मुल्क को क्राइसिस क्या है।